तो यार गाइस वेलकम आपका स्मार्ट गेमर्स में। तो और सुनार गाइस कैसे हो यार? तो गाइस यार पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपसे यार एक पोस्ट में पूछा था कि आपको यार अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो यार उसके अंदर आप में से लगभग 80% बंदों ने न्यू हेडशॉट ट्रिक के बारे में बताया। तो गाइस यार आज का ये वीडियो होने वाला है टॉप 3 बेस्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में। और यार काफी सारे बंदों का लॉन्ग रेंज में तो हेडशॉट लग जाता है, बट यार उनका शॉर्ट रेंज में बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं लगता। और काफी सारे बंदे शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मार लेते हैं, बट यार उनका लॉन्ग रेंज में हेडशॉट नहीं लगता। तो इसलिए आज मैं आपको तीन हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे कि यार आप शॉर्ट रेंज में भी हेडशॉट मार पाओगे, साथ ही आप लॉन्ग रेंज में या फिर मिड रेंज में भी इजीली हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस यार तीनों यार ये ट्रिक जो हेडशॉट मारने के लिए अपडेट के बाद 101% वर्क कर रही है, तो यार एक बार इसको जरूर से आप ट्राई करना। साथ में देखो यार मैं आपको तीनों हेडशॉट ट्रिक के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी सेटिंग भी बताने वाला हूं। तो यार आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को आप अच्छे से देखना, तभी आप जो इस ट्रिक को यार आसानी से समझ पाओगे, क्योंकि यार मैं आपको तीनों ट्रिक को इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो यार आप बस वीडियो को केयरफुली वॉच करना, तभी आप इनको जो समझ पाओगे जब आप इसको यार गेम के अंदर अप्लाई करोगे, तब यार आप इजीली वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। ओके ओके। और गाइस यार जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई यार एक लाइक जरूर से कर देना है, ठीक है यार। अगर आप एक लाइक कर दोगे तो मुझे भी यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और देखो यार लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो कर लिया करो यार, ठीक है, कर देना लाइक वगैरह सब कुछ कर देना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों नहीं? तो ओके गाइस, आज की हमारी फर्स्ट नंबर की हेडशॉट ट्रिक का नाम है सुपर जंप वन टैप हेडशॉट ट्रिक। और देखो ये हेडशॉट ट्रिक यार फ्री फायर के अंदर बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुरानी हेडशॉट ट्रिक है, और यार आज भी इस ट्रिक को काफी सारे बंदे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो ये ट्रिक यार क्लोज रेंज में भी हेडशॉट मारने के लिए काफी ज्यादा वर्किंग ट्रिक है, ठीक है। तो हम पहले जो क्लोज रेंज में इसको समझ लेते, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने एम को एनिमी के पेट के ऊपर रखना है, ठीक है। मतलब कि आप एनिमी के बिल्कुल बीच में अपने एम को रखना। और अब यार इसके बाद बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। आपको सिंपली इसके बाद क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे जंप करना है, और जैसे आप जंप करोगे तो उसके बाद में आपको तुरंत ही हवा में या अपने फायर बटन को नीचे की तरफ ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब आपको फायर बटन को नीचे करना है। जैसे कि यार गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैं यार कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली अपने एम को एनिमी के ऊपर रख रहा हूँ। देन यार उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जंप कर रहा हूँ और अपने फायर बटन को नीचे की तरफ यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और यार इजिली मेरा हर गन से हेडशॉट लग रहा है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। तो बेसिकली यार इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे जंप करते तो हमारा एम यार एनिमी के हेड के ऊपर ही चला जाता है और वहाँ पे लॉक हो जाता है। और जैसे हम यहाँ पे जो फायर करते तो यार इजिली यहाँ पे हेडशॉट पड़ जाता है, ठीक है। तो काफी यार देखो सिंपल ट्रिक है, आप जरूर से इसको ट्राई करना, आपका भी डेफिनेटली यहाँ पे हेडशॉट लगेगा, ठीक है। शॉर्ट रेंज में भी यार अच्छा इसमें जो हेडशॉट लगेगा। तो ओके यार आप जो इसको शॉर्ट रेंज में तो समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिड रेंज में ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। तो देखो जब आपका एनिमी आपसे थोड़ा सा दूर रहे, मतलब कि मिड रेंज में रहे, तब आपको क्या करना है कि सिंपली अपने एम को वहीं पे रखना है, ठीक है। एनिमी के बिल्कुल आपको बीच में अपने एम को रखना है, और उसके बाद यार सिंपली आपको वैसे ही जंप करना है। जैसे आप जंप करोगे तो आपका जो एम है एनिमी के हेड के ऊपर चला जाएगा, बट यार आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे आप जंप करोगे तब यार अपने आपको फायर बटन को नीचे नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे आप जंप करोगे तो तुरंत ही अपने फायर बटन को आपको ऊपर ड्रैग करना है थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार मैं जैसे ही जंप कर रहा हूँ और तुरंत ही मैं फायर बटन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। और देन उसके बाद मेरा इजिली यहाँ पे वन टैप हेडशॉट लगे जा रहा है। तो यार आपको भी ऐसे ही इसको फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपका भी ऐसे ही वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। और यार बात करें इसके अंदर आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को कितना रखना है, तो देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं होती है। तो यार आपको सिंपली अपनी जनरल और रेड डॉट दोनों सेंसिटिविटी को यहाँ पे 160 पे रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा आप मत रखना, 160 पे आप यहाँ पे जो दोनों को आपको सेट कर देना है। Thanks. तो ओकर गाइस बात करते हैं हम अगली हेडशॉट ट्रिक के बारे में। तो देखो हमारी नेक्स्ट हेडशॉट ट्रिक का नाम है फास्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक। और यार इस वाली हेडशॉट ट्रिक का यूज करके आप क्लोज रेंज में भी यार काफी तगड़े हेडशॉट मार सकते हो। तो देखो ये कैसे वर्क करती है वो हम पहले देख लेते हैं। पर गाइस इस ट्रिक का यूज करने के लिए यार सबसे पहले तो आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका एम पोजिशन, ठीक है। तो यार आपको हमेशा इस ट्रिक को करने के लिए आपको जो एम है आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, एनिमी के साइड में रखना है। और देखो यार आप चाहो तो यहाँ पे रेड भी रख सकते हो, और अगर व्हाइट रखते हो तो और भी तगड़ा है, ठीक है। तो यार जैसा कि मैंने यहाँ पे अपने एम को व्हाइट रखा है और कुछ इस तरह से रखा है, ठीक है, एनिमी कुछ इस साइड रखा है। अब यार इसके बाद आपको तुरंत ही अपने फायर बटन को रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। यहाँ पे आप एरो में देख सकते हो। और यार रोटेट करने के बाद आपको तुरंत ही यहाँ पे अपनी गन को स्विच कर लेना है, ठीक है। इस वाले बटन का यूज करके आप अपनी तुरंत ही अपने गन को स्विच कर लेना है। भाई यार देखो एकदम ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको क्या करना है कि यार आपको अपने एम को यहाँ पे एनिमी के साइड में रखना है, और उसके बाद यार अपने फायर बटन को आपको रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, और तुरंत यार अपने यहाँ पे इस वाले स्विच बटन का यूज करके अपनी गन को स्विच कर लेना है, ठीक है। तो यार इजी सी ट्रिक है, आई होप आप जो समझ पा रहे होंगे इस ट्रिक को। और देखो बात करते हैं इस ट्रिक में सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। तो देखो यार इस वाले ट्रिक का यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है हाई सेंसिटिविटी सेटिंग।
सेटिंग की, तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अपनी जो सेंसिटिविटी सेटिंग को वहाँ पे 190 पे रखना, ठीक है। मैंने यार हर मोबाइल में इसको ट्राई किया है, और भैया आप यकीन मानो कि यार 190 पे हर मोबाइल में यार बिल्कुल एक जैसे यार खतरनाक वन टैप हेडसूट इसमें पड़ जाता है, ठीक है। और यार गाइस आपके पास कौन सा मोबाइल है उसका नेम मुझे जरूर से कमेंट कर देना, ठीक है। तो ओके गाइस फाइनली यार बात करते हैं सबसे लास्ट वाली हेडसूट ट्रिक के बारे में। तो देखो यार भाई इस वाली ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले यार आपको अपने एम को यहाँ पे एनिमी से नीचे रखना है, ठीक है। मतलब जो एनिमी के पैर है उसके भी यार नीचे अपने एम को रखना है, ठीक है। और अपने आपको जो एम है इसको वाइट रखना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और यार अब यार आपको सिंपली क्या करना है कि अपने फायर बटन को यहाँ पे आपको सीधा ड्रैग करना है, और बिल्कुल सॉलिड यार एकदम से यहाँ पे फास्ट ड्रैग करना है, जिससे कि यार डायरेक्ट जो आपका जो एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाएगा, और भाई यार सामने वाले एनिमी को आसानी से यहाँ पे वन टैप हेडशॉट पड़ जाएगा। तो देखो ये वाली ट्रिक भी काफी सिंपल है, और इस वाली ट्रिक का यूज करके यार आप जो आसानी से यहाँ पे शॉर्ट रेंज में एकदम तगड़े यार वन टैप हेडशॉट लगा सकते हो, ठीक है। और देखो ये वाली ट्रिक आज ही बहुत सारे लेजेंड बंदे यूज करते हैं, आपने जो इस पे ध्यान नहीं दिया होगा। और इस ट्रिक को देखो जब भी आप करते हैं तो आपको यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन है उसको थोड़ा सा नीचे रखना है, ठीक है, जिससे कि यार आपका एम यहाँ पे एनिमी से नीचे रहेगा। और यार जैसे आप यहाँ पे एनिमी से हेडशॉट मारना चाहते हो तो तब आपको सिंपली अपने फायर बटन को एकदम से ड्रैग करना है, और जिससे कि भाई आसानी से यहाँ पे एनिमी को यहाँ पे वन टैप पड़ जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं इस वाले ट्रिक में आपको कितनी सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आपका और भी तगड़ा हेडशॉट लगे। तो देखो मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आप इस वाले ट्रिक को करो तो यार आपको हमेशा अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को फुल रखना है भाई। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि यार चाहे आपके पास कितना भी रैम का मोबाइल हो, आप हमेशा इस वाली ट्रिक को जब भी आप करते हो तो यार आपको हमेशा अपनी सेंसिटिविटी को यहाँ पे बिल्कुल यार फुल यानी कि 200 कर देना है, जिससे यार जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट रेंज में हेडशॉट मारोगे इस वाली ट्रिक का यूज करके, तब यार आपके इजिली यहाँ पे एम एनिमी के हेड के ऊपर चला जाएगा, और वहाँ पे आसानी से यहाँ पे जो एनिमी को हेडशॉट पड़ जाएगा। और देखो एक और बात यार, जब भी आप किसी भी हेडशॉट ट्रिक को करते हो, मतलब यार आप जो किसी भी ट्रिक का अगर आप यूज करते हो, तो यार सबसे पहले आपको यहाँ पे उसका फुल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब यार आप जो आधे एक घंटा आपको फुल यहाँ पे ट्रेनिंग खेलना है, और यार आपको यहाँ पे फुल ट्राई करना है कि उस वाली ट्रिक का कैसे यूज करते हैं, आपको यहाँ पे मतलब फुल प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जिससे यार आप जो और भी यहाँ पे हेडशॉट मारने में आसानी होगी। और देखो यार इतनी आसानी से हेडशॉट नहीं लगते, आपको यहाँ पे भाई थोड़ा तो यार ट्रेनिंग खेलना पड़ेगा और आपको जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ओके गाइस इसी के साथ यार मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो 3 हेडशॉट ट्रिक बताई है, आप यार जरूर से इनको फॉलो करना, और जो आपको यहाँ पे अच्छी लगे वो आप कमेंट जरूर से करना है, ठीक है। मतलब यार इन तीनों में से आपको कौन सा सबसे अच्छी हेडशॉट ट्रिक लगी वो आप जरूर से कमेंट करना। तो बाकी गाइस चलो यार हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू यार गाइस।